गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड सबसे खतरनाक वाला ब्लॉग। एक बार फिर स्वागत है आपके नए ब्लॉग में। तो आज मनाया जा रहा है छठ पूजा का दूसरा दिन है, तो आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या होगा छठ पूजा में अपनी मम्मी के साथ। ये क्या है? ये आटा है गेहूं का, और इसमें गुड़ है और घी है। गुड़ है और घी है, इसका बनेगा ठेकुआ। तैयारी तुम्हारी हो रही है, तो हमने इस ब्लॉग को इन्फॉर्मेटिव और फनी टाइप का भी बनाना है। तो चलो और थोड़ी गाली कम करनी है ब्रो, या पूजा है पाटा है, ठीक है, गाली कम। और अभी चोट का हिसाब ऐसा कुछ है यार, ये सब शरीर के चोट चले जाएंगे यार, ये फेस में, यार फेस में क्यों लग गया? फेस का चोट यार नहीं जाएगा ना, पता है। अब पापा को शादी में भी जाना है, दिल्ली जाना है शादी में, टूटा हुआ मुंह लेके जाएंगे क्या? बाकी तुम्हारा भाई लाया है सिटलाडी, जो कि 2 मिनट में आपकी घाव को करे ठीक। इसको पी के, इसको पीते तोड़ने लगाते हैं, इसको लगा के आप हो जाओगे खुश और तंदुरुस्त। तो क्या ये करता है? अगर ये करा कुछ काम तो हम इसको रेटिंग देंगे। पूरी बनाऊंगी कोसी भरने के लिए। सबसे पहले माता के छठ में कोसी भरने के लिए पूरी बनता है, ओकरा बाद ठेकुआ बनता है। जय हो छठी मैया, जय हो। कहते हैं ट्रिगर्ड, डाली गोली ऐसे और दबाया पूरा और तान दिया जिस पे तानना है, और ये गोली निकली और ये बन गया ठेकुआ। सुंदर तेरी बैंड और गोली नहीं देना। और गाइस ठेकुआ इतना स्वादिष्ट ठेकुआ होता है ना, जिसकी कोई बात नहीं, इतना तगड़ा, इतना खतरनाक, इसके सामने कोई मिठाई कुछ नहीं है, रस मलाई काजू कतली कुछ नहीं। ठेकुआ खाओ तगड़े, और इसमें प्रोटीन भी होता है ठेकुए में, क्योंकि ये गुड़ और किससे बनती है, मैदे गुड़ से बनती है, तगड़ा होता है सारा सीन। कभी आना हमारे घर, आपको खिलाएंगे ठेकुआ और फिर बताना क्या मस्त लगता है ठेकुआ की। वाह। अच्छा वहाँ एक बात बताइए, ये पूजा व्रत रखते हो ना इस पे? हाँ, तो कितने दिनों की होती है व्रत? ये व्रत होती है 3 दिन से। 3 दिन व्रत रखते हो? नहीं, हाँ, एक दिन होता है नहाई खाना, दूसरा दिन भर व्रत रखते हैं। हाँ, लग गई 1.5 दिन बिना नीरज जली रहते हैं। नीरज जली? हाँ, बिना जल के। हाँ, बाप रे बाप, हिंदुओं में सबसे कठिन त्योहार होता है। कठिन नहीं है ये त्योहार, खुशी का है। कठिन त्योहार हम लोग नहीं कहते हैं, ये प्रेम से रखते हैं। हाँ, परमात्मा मेरे को सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे, कि हम हर साल करें बस। छठ पूजा का ऐसा चीज होता है, क्योंकि एक दिन पहले जो खीर बनती है, उसी दिन से जो औरतें होती हैं, जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, वो व्रत रखना शुरू करती हैं, और एक रात पूरा दिन और सवेरे अपना व्रत तोड़ती हैं, वो भी नेरा जली रहते हैं, वो पानी के अंदर सूर्य भगवान के डूबते हुए पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के उगते हुए पूजा करते हैं। तो इतना पवित्र त्यौहार भाई साहब, सही है यार। आई प्राउड टू बी अ हिंदू, आई एम बिहारी, आई प्राउड टू बी अ हिंदू ऑल्सो, बिकॉज नो बिहारी, नो यूपी, नो झारखंड, नो हरियाणा, ओनली वन नारा, जय हिंदू, जय हिंदुत्व। तेरे चलते मेरे को ज्यादा बनाना पड़ा। क्योंकि तू कहता है बार बार मेरा दोस्त ज्यादा ले जाएंगे, तो उनके घर छठ नहीं होता ना। हाँ, वो भी चाहे गुड़ वाला। तो दोस्तों देख लो, एक बरात मैंने कर दिया है, पूरे मम्मी ने कर दिया, पूरे गांव में बटेगा है सारा। सो गाइस, ये है अपना घाट, जो कि मोहल्लों वालों ने बनाया है, पूरा तगड़ा मस्त लग रहा है। वीडियो आ रहे चोट, ऊंट से गिर गया था, ऊंट से। सूप सजावल जा रहा माता के दौरा। सूप दौरा, हाँ।
सो गाइस फाइनली हम सब जाने लगे हैं छठ घाट पे, जिसका हमको एक साल से इंतजार था। हर बिहारी को एक साल से इंतजार रहता है इस पर्व का, तो उस फाइनली हम जगह पे पहुंचने वाले हैं। जय हो छठी मैया। चलो मन्नत मांगा होगा कि छठ माता पूरा कर दो, तब वैसे चल के आऊंगा। तेरी चश्मा वीडियो बनाओ। पापा चश्मा। हाँ पा जा है। और यहाँ से पा आठ। गैस दोहरा रख दिया हमने। अब वेट करेंगे सारी जो जिन्होंने व्रत किया है, वेट करेंगे सूर्य भगवान के अस्त होने की। गैस अपने पापा जी भी कर दिए ब्लॉगिंग शुरू। जहाँ सालों ने आईफोन देखा नहीं, दो को लोड़े खड़े हो जाते फोटो कराने के लिए। हटा साले, ए टट टट वीडियो में। गाइस अभी चलते हैं बारूद लेने, क्योंकि दिवाली में ऐसा सीन हुआ था, क्योंकि सवेरे से लेके शाम तक बैठाया हुआ था मेरे को दुकान में, जो एक मैंने पटाखा नहीं फोड़ा दिवाली में। तो छठ में पूरी कसर सारी निकालनी है, पटाखे फोड़ने हैं। तलाक 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 पटाखे नहीं, छठ करो छठ। जय बाबा की। बाबा की साला मेरा मुंह टेढ़ा हो गया यार चोट लगने से। हाँ मेरा भी ऐसी पागल इतना तो सोच रहा है ना कि मेरा मुंह खराब हो गया, ये वो उतना है नहीं तेरा। सो गाइस फाइनली सूर्य अस्त हो गया और चांद निकल गया हमारे देश में। यो हनी सिंह। तो अभी कोसी रखते हैं घर, फिर पटाएंगे पटास फाड़ फाड़ फाड़। इसको कहते हैं घोड़ा और इसको कहते हैं मैगजीन। इसको डाला इधर चल। अरे कट्ठे मारो ना। एक दो तीन। अच्छा लगा। आप ले गए हैं। तो गाइस पानी पुनी से सब निकल गए हैं और सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं, तब यहाँ पे हम कोसी भराएगा इधर। तालाब तालाब से आ गए। सो गाइस कोसी भरा रहा है ऊपर, तो अब ये चलते हैं पटाखे फोड़ते हैं यार। ओए हाँ ओए चला गड्ढा ही हो गया। ओए फोड़ेगा क्या ओए रहे रहे। ये कोई बोला। ओए रहन दो अब डाल मुंह में डाल। अरे अबे साले सही में जला देगा। विरा आजा आजा आजा। चार पटास हैं। चार पटास है। नहीं ये कह रहे थे कि उधर छोला पूड़ी मिल रहा है, वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा था। ओए इंडिया की खुशी के लिए एक दो तीन। भी घर पे रखा हुआ है चार कट्टू ने। चल आगे आगे।
सो गाइज अभी रात की सारी विधि विधान हो गई है छठ पूजा की, जो कि सारा कुछ पूजा पाजा हो गया है। तो अभी रात में हम रात हो गई है यार, समझ लो पूरी रात हो गई है, समझ के लो हो ही गई है रात हो गई है। अब सवेरे सब उठेंगे 3-2 बजे और घाट पर जाएंगे और फिर सरोवर में बैठेंगे और सूर्य भगवान की वेट करेंगे कि कब उगेंगे, उनकी पूजा करेंगे, यही सब होगा। तो चलते हैं अभी के लिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई है, अब चलते हैं सीधा नहाते धोते हैं और चलते हैं घाट पे। सो गाइस ये लड़के 2 बजे रात से उठ के पूरा सफाई कर रहे हैं छठ माता के ऊपर, इनको छठ माता सारी मनोकामना पूरी कर दे इन सब की। देख रहे हैं ड्राम लेके जा रहे हैं। हाथ हो गया, हम सब इतने तैयार, बहुत लेट हो गया हमको, दौरा पहुंचाना है जल्दी घाट पे, जल्दी 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 जल्दी। पूरे 7 बज गए और सूर्य भगवान की कोई आता पता नहीं, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान की परीक्षा लेते हैं कि वो देखते हैं कि कितना उनमें जिज्ञासा है पूजा की, छठ पूजा की, इसलिए वो लेट उठते हैं आज के दिन। कितना समय रह गया सूर्योदय में, 10 मिनट। चाय पिलाओ, रस खिलाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, जितना खाओ तुम्हारा ये ले दो घर। ए भाइयों ने, नागपाल ने, सातपाल ने 40 पूड़ियां खाई हैं। 40 एक ने खाई है, टोटल होगी 80 और 15 और खाई है, भाई ने 100 खाई है, टोटल होगी 95। निकलते ही दुबई के शेख क्यों बने हो, घर से निकलता ही नहीं है, दुबई के शेख का अला बने ना बने रहे। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हरियाणा ग्राउंड, गजब गौरव हो रहे हैं भाई, यहाँ एक नवा भाई आया है हमारा यूट्यूब चैनल में, अब धीरे धीरे सारे स्टार्ट कर रहे हैं, ये देख लिया हरियाणा ग्राउंड में हम खड़े हैं और गजब गौरव ये रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ भाई के, देखो सही होने वाला है, जल्दी मिलेगा मिलेगा, मर गया मतलब अच्छे चेहरे के साथ, अभी भी ठीक लग रहा है, इसको ज्यादा कुछ गलत लग रहा है। सो गाइस हमारे भाई आए हैं दुबई से इंडिया छठ घाट मनाने, ब्लॉग में आ गए आप, ब्लॉग में आ गए वहां पे, ब्लॉग में आ गए, अब आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, गजब गौरव के ब्लॉग में आ गए हो, अब 4 लोग आपसे फोटो कराएंगे। अरे सुन ना, सामान लेके पहुंच, अरे बंदे लोग घुस गए हैं, बेबी तू जा, बेबी तू जा, ब्लॉग बनाना ब्लॉग। सो अभी देखी ना वीडियो, क्या कर रहा था बंदा, उसका एक पैर नहीं है और फिर भी हथौड़े मार रहा है यार, और तुम कहते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी ऐसा सोचेगा तो उसका घर चल जाएगा, भाई गरीब है वो, उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो कोई भी चीज़ यहाँ मुश्किल नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। तो यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दो यार। हम मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे नई नई वीडियो लेके और फनी फनी वीडियो लेके। ओके बाय 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 बाय। थोड़ा पापी मगाली देता काफी पर जिंदगी